द बोनीस कहानी की शुरुआत में हमें तीन लोग दिखाए जाते हैं जो जंगलों में वैकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। इनके नाम होते हैं एरन, मार्क, क्लॉइड और मार्कस। इनमें एरन और क्लॉइड सगे भाई होते हैं और मार्कस उनका दोस्त होता है। एरन की हाल ही में शादी होने वाली थी, इसलिए वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ लास्ट बैचलर पार्टी करने आया था। रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। तभी मार्कस को वहाँ पर एक लड़की देती है जिसका नाम हेली था, तो वो उसके पास जाकर उसे अप्रोच करने लगता है। हेली उससे कहती है कि उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन तभी हेली का पति वहाँ पर आता है और मार्कस को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो मार्कस को मारने जाता है तो मार्कस उसे मुक्का मार देता है और हेली मार्कस को मुक्का मारती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख उस रेस्टोरेंट का मालिक उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। इधर जंगलों में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में मेकआउट कर रहे थे। तभी उन्हें गाड़ी के बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर किसी इंसान का कटा हुआ दिल है। ये देख वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये किसने फेंका होगा। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए और वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो उस लड़के के पीछे एक बंदा आता है जो कि उसे मार डालता है और उसके बाद वो लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर ये तीनों भूखे ही दोबारा गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही कातिल लड़के दिखाई देते हैं जो अपनी गाड़ी में उस कपल की बॉडी को छुपा रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहने होते हैं और उन्हें देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन होंगे, तो मार्कस उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद ये यहाँ के लोकल्स हैं और उन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तभी वो अपने फोन की तरफ देखते हैं जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। इधर हेली अपने पति के साथ अपने घर में पहुंचती है जहां उसका पति उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो जानबूझकर उस लड़के से बात कर रही थी। हेली उससे कहती है कि वो उस लड़के को इग्नोर मार रही थी। उसका पति उस पर गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। इधर ये तीनों लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और आगे का सफर वो पैदल ही तय करने का सोचते हैं। तभी एरन देखता है कि उसका भाई वहां पर स्लीपर पहनकर आया है, तो वो उसे अपने स्पोर्ट्स जूते देता है और उससे कहता है कि वो इसे पहन ले। फिर हमें उस कैनिबल फैमिली का घर दिखाया जाता है जो कि उस जंगल में रहा करता था। वहाँ पर वो लड़का होता है जिसने अपने घर में ढेर सारी डॉल्स रखी हुई थी और वो पूरा साइको था जो कि मास्क पहना करता था। इधर उन तीनों के दो दोस्त पहले ही जंगल में पहुँच गए थे और वहाँ उन्होंने अपने लिए टेंट भी लगा लिया था। इनके नाम होते हैं जॉर्डन और केसी और ये दोनों कपल थे। तभी वहाँ पर वो तीन दोस्त आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो लोग भी अपने टेंट लगा लें। तभी एरन मार्कस से कहता है कि ये उसकी लास्ट बैचलर ट्रिप है, तो वो इसे ज्यादा मेमोरेबल बनाए। फिर वो अपने बैग से एक वाइन निकालता है जो कि बहुत ही पुरानी थी और उन्हें बताता है कि रात को वो एक साथ इस वाइन को पियेंगे। इसके बाद मार्कस वहाँ पर टेंट लगाने लगता है और एरन किसी को बताता है कि उन्हें यहाँ पर पहुँचने में काफी लेट हो गया है क्योंकि मार्कस की एक रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो एक लड़की को अप्रोच करने के लिए उसके पास गया था। इधर क्लॉइड जॉर्डन के साथ होता है, तो क्लॉइड उससे पूछता है कि उसकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है, तो जॉर्डन कहती है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और केसी बहुत ही अच्छा लड़का है जो उसका हमेशा ख्याल रखता है। इधर हेली अपने पिता के घर में होती है जो भी वहाँ पर रहा करता था। वो उसे बताती है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई है और वो दोनों हंटिंग करने के लिए जंगलों में जाने वाले हैं। उसका पिता उससे कहता है कि वहाँ पर जाकर लड़ाई मत करना। इधर कैनिबल ने उस लड़की को बांध रखा था और तभी एक मास्क पहना कातिल उसके पास आता है और हथौड़े से उसका मुंह तोड़ देता है जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। रात को पांचों दोस्त साथ में बैठते हैं और अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। वो एरन की लाई हुई दारू पीते हैं जो कि काफी अच्छी थी और उससे वो लोग काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं। क्लॉइड सबको बताता है कि उन सबकी लाइफ में कोई ना कोई लड़की है, केसी की शादी हो गई है और एरन की होने वाली है और मार्कस तो हैंडसम है ही जिसे आसानी से लड़कियां मिल ही जाती हैं, पर उसे अभी तक कोई भी लड़की नहीं मिली है जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में रहता है। वो सभी उस पर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, उसे भी लड़की मिल ही जाएगी। उसके बाद सभी अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह उनके टेंट के पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने अजीब तरह से कपड़े पहने हुए थे, तो वो उसे देखकर काफी डर जाते हैं। वो
उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उसे क्या चाहिए, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। इधर हेली अपने पति के साथ हंटिंग करने के लिए उस जंगल में पहुंच गई थी और उसका पति हेली से कहता है कि वो कार के पास ही इंतजार करे और वो जंगल में इंस्पेक्शन करने जा रहा है कि उसे डियर कहाँ पर मिलेंगे। फिर वो उसी जंगल में जाता है तो उसे कोई आवाज लगाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तभी एक कैनिबल उसे तीर मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो उसके पास आकर उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मार्कस और क्लॉइड अपने ग्रुप को बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक पागल आदमी आया था जो काफी अजीब सा वाइब दे रहा था, मानो कि वो उन्हें मार डालेगा। इस पर केसी उन्हें कहता है कि वो चिंता ना करें, वो यहाँ का कोई लोकल होगा। इधर हेली के पति को गए हुए 1 घंटा हो गया था लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। ये देखकर वो अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। इधर वो पागल बूढ़ा आदमी शहर में कुछ लेने के लिए आता है। वो इंस्पेक्टर से मिलता है तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है और वो शहर के लोगों को परेशान करना बंद करे। वो उससे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन किसी को परेशान मत करो। इधर हेली जंगल में अपने पति को ढूंढ रही होती है तो उसे वहाँ पर खून नजर आता है। तभी वो अपने पति की हेड देखती है जो खून से लथपथ थी। ये देखकर हेली डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो कैनिबल लड़के वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर ये पांचों फैसला करते हैं कि वो हिल पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो उनके पैर में काफी दर्द होने लगता है। क्लॉइड और मार्कस वहाँ पर बैठकर आराम करने लगते हैं और केसी उनसे कहता है कि वो पहाड़ की ओर स्मोक करने जा रहा है। एरन उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा पर केसी उसे मना कर देता है। जब वो वहाँ पर जाकर स्मोक कर रहा होता है तो कैनिबल बंदा उसके पीछे आ जाता है और जैसे ही वो सर मोड़ता है तो वो उसके सर में चाकू घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसके सर से निकला हुआ मांस खाने लगता है। तभी दूसरा कैनिबल वहाँ आता है और वो मांस के लिए लड़ाई करने लगते हैं। फिर जब ये लोग उनकी आवाज सुनते हैं तो उन्हें केसी की चिंता होने लगती है और एरन सबसे कहता है कि वहाँ पर वो केसी को देखने जा रहा है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वो दोनों उसका मांस खा रहे हैं और ये देख कर वो काफी डर जाता है और पीछे होने लगता है। तभी उसके पैर के नीचे एक लकड़ी आ जाती है जिसे सुनकर वो कैनिबल सतर्क हो जाते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। एरन भागता हुआ अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। जब वो चारों भाग रहे होते हैं तो वो कैनिबल जॉर्डन के सीने में एक तीर मार देता है जिससे जॉर्डन की वहीं पर मौत हो जाती है और वो तीनों वहां से टेंट की ओर जाते हैं। वो तीनों जल्दी से अपना सामान पैक करने लगते हैं ताकि वो वहां से भाग सकें, लेकिन तभी दोनों कैनिबल वहां पर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी मार्कस एक कैनिबल से लड़ने लगता है और बाकी लोगों को वहां से भाग जाने को बोलता है। उसकी बात सुनकर वो सभी वहां से भाग निकलते हैं और वो दोनों कैनिबल्स मिलकर मार्कस को जान से मार डालते हैं। इधर हेली की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि वो किसी केबिन के बेसमेंट में बंद है। हेली के पिता को उसकी चिंता हो रही होती है, इसलिए वो शेरिफ के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी और दामाद गायब हो गए हैं। वो कुछ घंटे पहले जंगल में गए थे और उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। शेरिफ उसका अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो दोनों जंगल में जाकर छानबीन करने का फैसला करते हैं। इधर वो कैनिबल बेसमेंट में मार्कस की लाश को लाता है और उसे हेली के सामने ही बूचर करता है, जिसे देखकर हेली काफी डर जाती है। इधर एरन और क्लॉइड को भागते हुए रात हो जाती है, लेकिन वो अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकल पाते। एरन क्लॉइड को समझाता है और उसे हिम्मत से काम लेने को बोलता है, लेकिन तभी वहां पर वो कैनिबल आ जाता है जो कि उसके सिर पर वार करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग क्लॉइड को भी किडनैप कर लेते हैं। इधर शेरिफ हेली के पिता को लेकर जंगल में पहुंचता है, तभी वहां पर उन्हें एरन की कार मिलती है जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इस कार का मालिक कहां गया होगा। तभी शेरिफ देखता है कि उसकी नंबर प्लेट वहां से गायब है, जिससे वो समझ जाता है यहां पर जरूर कोई गड़बड़ है। फिर हम उन कैनिबल के केबिन को देखते हैं जहां पर हेली के साथ क्लॉइड भी मौजूद था। वो हेली से पूछता है कि आखिर वो लोग कहां पर हैं, तो वो उससे कहती है कि वो लोग स्लॉटर हाउस में हैं और बहुत जल्द वो लोग उन्हें भी मार कर खा जाएंगे। क्लॉइड उससे कहता है कि वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, तो हेली उससे कहती है कि उसने 3 लोगों को उसके सामने मरते हुए देखा है और वो लोग बुचर करके कच्चा ही उनका मांस खाते हैं। तभी वहां पर वो कैनिबल्स आ जाते हैं जो क्लॉइड
ब्राइड को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और अपने मास्क हटाते हैं। क्लोइड देखता है कि वो दोनों ही पूरी तरह डिफॉर्म्ड हैं और उसके सामने उनकी माँ बैठी होती है, जिसकी आवाज पूरी मर्दों की तरह थी। वो उससे कहती है कि वो इन दोनों की माँ है और वो अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती है, और नीचे जो लड़की है वो उसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए। और उसके बेटे को वो काफी पसंद आया है तो वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर क्लोइड काफी डर जाता है और उनकी माँ उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बहुत जल्द ही उनके फैमिली का मेंबर बनने वाला है। तभी वहाँ पर वो अपना डिनर लेकर आते हैं और जब वो बर्तन हटाते हैं तो उसके अंदर एरन का कटा हुआ सर था और उसके सामने ही वो उसका मांस काट कर खाने लगते हैं। वो लोग उसे भी वो मांस खिलाते हैं ताकि वो उनका फैमिली मेंबर बन सके, और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उसे वो मांस खाना पड़ता है। वो उससे कहती है कि उसने मांस खा लिया है तो वो अब उनकी फैमिली का मेंबर बन गया है। और अब दूसरे रिचुअल की बारी है जहां उसके बेटे से उसकी वेडिंग कराई जाएगी। फिर उसका बेटा वेडिंग ड्रेस पहन के आता है और उन दोनों की शादी कराई जाती है। उसके बाद उनकी माँ उन्हें रूम में भेज देती है ताकि रूम में जाकर कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। इधर उसका दूसरा बेटा जब नीचे जाता है तो देखता है कि हेली अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी हेली एक रस्सी से उसका गला दबाने लगती है और तब तक उसे नहीं छोड़ती जब तक कि वो मर नहीं जाता। इधर वो लड़का क्लोइड को बेड पर लेटाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होगा। तभी हेली वहाँ पर चाकू लेकर आ जाती है और वो बंदा उससे लड़ने लगता है। वो हेली को मारने वाला होता है लेकिन तभी क्लोइड चाकू उठाकर उसके पेट में घुसा देता है और वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो क्लोइड को छुड़ाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। इधर हेली का फादर शेरिफ से पूछता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर गई होगी। शेरिफ उसे बताता है कि यहाँ पर एक केबिन है जहाँ पर एक फैमिली रहती है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। हेली के पिता के कहने पर वो उनके केबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर हेली औजार लेती है और उस बंदे को मारने के लिए जाती है। तभी वो उसके सामने आता है तो वो उसे मार डालती है। क्लोइड भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी टांग कटी हुई थी जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाता। तभी उन कैनिबल की मदर उनके सामने आती है और उस पर हमला कर देती है। वो उसे बुरी तरह मारने लगती है तो हेली वहाँ पर आकर उससे लड़ने लगती है और उसका गला काट खाती है, जिससे उस औरत की भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो क्लोइड को लेकर रोड पर पहुँचती है जहाँ उसका पिता और वो शेरिफ उसे देखते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं। इधर वो पागल बूढ़ा आदमी अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे मर चुके हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो इस कैनिबल फैमिली का हेड मेंबर था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।